वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज के वीडियो में हम PPR देखेंगे और साथ ही साथ जो कल स्टूडेंट फंसे थे पहले ये देख लेते हैं। ये वही स्टूडेंट ने एक आज पोस्ट रखी थी कि फ्रैंकफर्ट पीपल गॉट द ऑप्शन टू गेट द RT-PCR डन एट द एयरपोर्ट एंड टेक द डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू कैनेडा, बट दिस इज फॉर लुफ्थांसा ओनली। कतार अलाउड टू बोर्ड फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू सर्बिया, बट ओवर देयर स्टूडेंट्स अलाउड टू स्टे एट ट्रांजिट एरिया फॉर 48 आवर्स, नो क्वारंटाइन। सो ऐसा उन्होंने अभी कहा, ये एक स्टूडेंट ने शेयर की थी। अभी तक अभी जो स्टूडेंट्स ट्रैवल करने वाले उनके लिए तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आई कि उनका क्या होगा स्टेटस, क्या करेंगे उनके साथ अभी। फिर चलो अभी हम PPR से देख लेते हैं। तो पहले ये आप देख सकते हो, दिस इज़ कार्तिक शो, सो आई एम हैप्पी टू शेयर दैट आई फाइनली रिसीव PPR। उन्होंने फाइल लगाई थी 12 मई को, उनका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आया था 13 मई को, उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 24 जून को, उनका बायोमेट्रिक्स अपडेट हुआ 29 जून को। सो ये देखिए आप, कई बार होता है कई स्टूडेंट्स का 95% स्टूडेंट्स का उसी दिन बायोमेट्रिक्स अपडेट हो जाता है, लेकिन कई केसेस में इट टेक्स टाइम। तो वो आप इधर देख सकते हो, उनको 3-4 डेज लगे। फिर उनका BVL आ गया 12 जुलाई को और उनको PPR भी आ गया 12 जुलाई को। सो दैट्स ऑल। फिर ये आप उनके स्क्रीनशॉट है इनका GCQ का। फिर ये एक स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर की थी, अप्लाई इन्होंने किया था May 8 को, मेडिकल भी अपडेट हो गया उनका 8 जून को, बायोमेट्रिक्स उनके हुए 30 जून को, उनको BVL आ गया 13 जुलाई को और उनको रिफ्यूज़ल हो गए कल ही फाइल उनकी, आज ही उनका BTEC उन्होंने किया था 69.2% थे, IELTS में 6.5, नो बैंड लेस देन 6 थे, BTEC सिविल इंजीनियरिंग 2017, एक्सपीरियंस 2017 टिल नाउ एज सिविल इंजीनियर, अप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फेंशो कॉलेज 1 ईयर कोर्स, SDS कैटेगरी, हैड 3 टाइम्स रिजेक्शन फॉर US एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम फॉर कैनेडा। सो ये फायदे बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे साथ, अगर आप, मैं नहीं चाहता आपका रिफ्यूज़ल आए, लेकिन अगर इनकेस कोई रिफ्यूज़ल शेयर करते हो तो ऐसे पूरी प्रोफाइल शेयर करना ताकि सबको पता चले एंड प्रोग्राम के साथ। ये उनका रीज़न था रिफ्यूज़ल का, आप देख सकते हो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कैनेडा एंड जो ईयर प्रपोज स्टडीज़, जो दो कॉमन रीज़न होते हैं वो। फिर ये दूसरा एक मेरे साथ एक स्टूडेंट ने शेयर की थी, हे इट्स शुभम हियर, आई गॉट माई PPR टुडे। इनका 10th में 59% थे, 12th में 45% थे एंड ग्रेजुएशन BBA में 73% थे। कॉलेज इनकी लॉयलिस्ट थी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोग्राम था। थैंक यू सो मच एवरीवन। उनके बायोमेट्रिक्स हुए थे 24 जून को, उनको BVL एंड PPR आ गई एट 8:43 PM आज को, कल, एंड 2020 के पास आउट थे ये। ओवरऑल 7 बैंड थे, लिसनिंग में 8, स्पीकिंग में 7, राइटिंग में 6, रीडिंग में 6.5 थे और SDS कैटेगरी थी। सो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर ये कल की वीडियो में हमारी कमेंट में एक स्टूडेंट ने शेयर की थी, माई फ्रेंड गॉट रिफ्यूज़ल टुडे। उन्होंने फाइल लगाई थी 12 मई को, बायोमेट्रिक्स हुए थे 30 जून को, BVL आ गया था 1 जुलाई को और उनको रिफ्यूज़ल आया 12 जुलाई को, और उनकी नॉन SDS फाइल थी, सेंट क्लेयर कॉलेज विंडसर थी। ओके फिर ये दूसरी है, आई गॉट माई PPR टुडे। इन्होंने फाइल लगाई थी 21 जून को, ओके, एंड बायोमेट्रिक्स हुए थे उनके अपडेट 25 जून को, रिव्यू स्टार्ट हुआ 30 जून को, गॉट कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एट 9 जुलाई और PPR उनको आके 11 जुलाई। सच्ची में मैंने जब ये देखा तो ऑलमोस्ट 11-20 डेज में इनकी PPR आ गई। रियली में यार, हम्बर कॉलेज थी इनकी विथ 7 ईयर्स गैप, प्री अप्लाई केस था आफ्टर 2 रिफ्यूजल्स। ओके सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये होता है कि कल एक मुझे मैसेज आया था कि दर्शन जी मेरा 2 रिफ्यूज़ल है, मेरे एजेंट कह रहे 2 रिफ्यूज़ल के बाद अभी आपका निवीजा नहीं आ सकता। ऐसा कुछ नहीं होता, ये आप देख सकते हो, उनको पहले 2 रिफ्यूज़ल्स थे और अभी 11 जुलाई को उनको आई थी PPR। सो ऐसा कुछ नहीं होता। और अभी जो आप सबको पता है कि अगर आप पासपोर्ट से वैक्सीनेटेड से एग्जाम्प्ट होते हो तो ऐसा स्टिकर आपको लगाएंगे। ये मेरे साथ एक स्टूडेंट ने शेयर किया था, आई वॉज जस्ट शेयरिंग विथ यू, हमारा सबका ऐसा लगेगा, डोंट वरी। अगर आपकी कोई भी वैक्सीनेशन कोविशील्ड है, लेकिन कोई भी सर्टिफिकेट है, आपको उधर कॉन्फिडेंट रहना है एंड आपका ये सर्टिफिकेट इंग्लिश में होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ कुछ भी हो चल जाएगा, दैट्स ऑल। और थैंक्स फॉर, यही थे आज की अपडेट। सो जैसे कोई और भी अपडेट्स आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, एंड आपकी भी PPR आज नहीं तो कल आएगी, वेट कीजिए थोड़ा। आई नो PPRs अभी कम आ रहे हैं, रिफ्यूज़ल थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, PPRs भी आने वाले टाइम में स्टार्ट हो जाएंगे आई थिंक सो, एंड दैट्स ऑल। अगर आपकी भी आती है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, एंड कल एक वीडियो में कमेंट आई थी कि भाई तुम
कमेंट के करना कहते हो लेकिन आंसर नहीं करते। सी यार, कमेंट में आपको ऐसा, मैं कमेंट का आंसर करने में मुझे पर्सनली टाइम नहीं होता। मेरे पास ये मेरा दूसरा फ़ोन है जिसपे ये अभी मैंने चालू किया है, जो मैं 24 आवर्स मॉनिटर नहीं करता, लेकिन आप अगर मुझे कॉल करते हो तो मैं आंसर भी करता हूँ। फिर मेरा व्हाट्सएप होता है दूसरा, उसमें 100+ मैसेजेस होते हैं इंस्टाग्राम पे जिसमें स्पेसिफिक क्वेरी होती है, तो मुझे वो आंसर करना मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ कंपेयर टू कमेंट्स। कमेंट्स में क्या होता है कि कमेंट्स आज आप करते हो तो कोई दूसरा स्टूडेंट भी पढ़ेगा, उसको कोई यू नो होगा सॉल्यूशन तो वो भी करेगा। सो कई बार मैं नहीं, मतलब अभी तो मैं इतना मैसेजेस होता है कि वो मुझे टाइम ही नहीं मिलता इसके लिए। सो कमेंट में इसीलिए नहीं कहता कि मैं आंसर करूँ, आपके कोई भी हमारे फेलो स्टूडेंट्स भी आपकी हेल्प कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का पार्ट बन जाए एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आपको अपडेट आ जाए एंड जल्दी से जल्दी हम 10K टच कर जाए जो हमारा माइलस्टोन है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स।